अन्य उपस्थित सभी महानुभाव और यहां भारी संख्या में पधारे जनकपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आ जगत जननी मां जानकी के पवित्र भूमि गौरवशाली इतिहास भेल मिथिला सांस्कृतिक राजधानी ई जनकपुर धाम में हमरा न्योत द के बजेलो आ ई सम्मान देलो एकरा लेल हम संपूर्ण मिथिलवासी जनकपुरवासी आ प्रदेश नंबर 2 के संपूर्ण जनता के नमन करें हार्दिक आभार व्यक्त करे छी। पग पग पोखेर माछ मखान सरस बोल मुस्की मुखपान विद्या वैभव शांति प्रतीक सरस क्षेत्र मिथिलांचल थी। भाई और बहनों, अगस्त 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार नेपाल आया था तो संविधान सभा में ही मैंने कहा था कि जल्द ही मैं जनकपुर आऊंगा। मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं तुरंत आ नहीं सका, आने में मुझे काफी विलंब हो गया और इसलिए पहले तो मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मन कहता है कि शायद संभवतः सीता मैया जी ने ही आज भद्रकाली एकादशी का दिन ही मुझे दर्शन देने के लिए तय किया। मेरा बहुत समय से मन था कि राजा जनक की राजधानी और जगत जननी सीता की पवित्र भूमि पर आकर उन्हें नमन करूं। आज जानकी मंदिर में दर्शन कर मेरी बहुत सालों की जो कामना थी उस मनोकामना को पूरी कर एक जीवन में धन्यता अनुभव करता। मेरो यश पटक को नेपाल भ्रमण प्रधानमंत्री को रूप में यंदा पनी प्रधान तीर्थ यात्री को रूप में आले। भाइयों और बहनों, भारत और नेपाल दो देश, लेकिन हमारी मित्रता आज की नहीं त्रेता युग की है। राजा जनक और राजा दशरथ ने सिर्फ जनकपुर और अयोध्या को ही नहीं भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था। ये बंधन है राम सीता का, ये बंधन है बुद्ध का भी और महावीर का भी, और यही बंधन
रामेश्वर में रहने वालों को खींचकर पशुपतिनाथ लेकर के आता है। यही बंधन लुम्बिनी में रहने वालों को बोधगया ले जाता है और यही बंधन, यही आस्था, यही स्नेह आज मुझे जनकपुर खींच करके ले आया है। महाभारत रामायण काल में जनकपुर का, महाभारत काल में विराटनगर का, उसके बाद सिमरौनगढ़ का, बुद्ध काल में लुम्बिनी का, ये संबंध युगों युगों से चलता आ रहा है। भारत नेपाल संबंध किसी परिभाषा से नहीं बल्कि उस भाषा से बंधे हुए हैं। ये भाषा है आस्था की, ये भाषा है अपनेपन की, ये भाषा है रोटी की, ये भाषा है बेटी की, ये मां जानकी का धाम है, ये मां जानकी का धाम है और जिसके बिना अयोध्या अधूरी है। हमारी माता भी एक, हमारी आस्था भी एक, हमारी प्रकृति भी एक, हमारी संस्कृति भी एक, हमारा पथ भी एक और हमारी प्रार्थना भी एक, हमारे परिश्रम की महक भी है और हमारे पराक्रम की गुंज भी है, हमारी दृष्टि भी समान और हमारी सृष्टि भी समान है, हमारे सुख भी समान और हमारी चुनौतियां भी समान है, हमारी आशा भी समान, हमारी आकांक्षा भी समान है, हमारी चाह भी समान और हमारी राह भी समान। जिनके योगदान से भारत की विकास गाथा में और गति आती है। साथियों, नेपाल के बिना भारत की आस्था भी अधूरी है, नेपाल के बिना भारत का विश्वास अधूरा है, इतिहास अधूरा है, नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे, नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे। भाइयों और बहनों, आपकी धर्मनिष्ठा सागर से भी गहरी है और आपका स्वाभिमान सागर माथा से भी ऊंचा है। जैसे मिथिला की तुलसी भारत के आंगन में पावनता, सुचिता और मर्यादा की सुगंध फैलाती है, वैसे ही नेपाल से भारत की आत्मीयता इस संपूर्ण क्षेत्र को शांति, सुरक्षा और संस्कार की त्रिवेणी से सींचती है। मिथिला की संस्कृति और साहित्य, मिथिला की लोक कला, मिथिला का स्वागत सम्मान, सब कुछ अद्भुत है
और मैं आज अनुभव कर रहा हूं, आपके प्यार को अनुभव कर रहा हूं, आपके आशीर्वाद का एहसास हो रहा है। पूरी दुनिया में मिथिला संस्कृति का स्थान बहुत ऊपर है। कवि विद्यापति की रचनाएं आज भी भारत और नेपाल में समान रूप से महत्व रखती है। उनके शब्दों की मिठास आज भी भारत और नेपाल दोनों को साहित्य में घुली हुई है। जनकपुर धाम आकर आप लोगों का अपनापन देखकर ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया हूं। सब कुछ अपने जैसा, हर कोई अपनों जैसा, सब कुछ अपनापन, ये सब अपने तो है। साथियों, नेपाल अध्यात्म और दर्शन का केंद्र रहा है। ये वो पवित्र भूमि है जहां लुम्बिनी है, वो लुम्बिनी जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। साथियों, भूमि कन्या माता सीता उन मानवीय मूल्यों, उन उसूलों और उन परंपराओं की प्रतीक है जो हम दो राष्ट्रों को एक दूसरे से जोड़ती है। जनक की नगरी सीता माता के कारण स्त्री चेतना की गंगोत्री बनी है। सीता माता यानी त्याग, तपस्या, समर्पण और संघर्ष की मूर्ति। काठमांडू से कन्याकुमारी तक हम सभी सीता माता की परंपरा के वाहक है। जहां तक उनकी महिमा की बात है तो उनके आराधक तो सारी दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये वो धरती है जिसने दिखाया कि बेटी को किस प्रकार सम्मान दिया जाता है। बेटियों के सम्मान की यह सीख आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। साथियों, नारी शक्ति की हमारे इतिहास और परंपराओं को संजोने भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब जैसे यहां की मिथिला पेंटिंग्स को अगर उसको देखें तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान हमारी माताओं, बहनों का, महिलाओं का रहा है। और मिथिला की यही कला आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस कला में भी हमें प्रकृति की, पर्यावरण की चेतना हर पल नजर आती है। आज महिला सशक्तिकरण और जलवायु परिवर्तन की चर्चा के बीच मिथिला का दुनिया को यह बहुत बड़ा संदेश है। राजा जनक के दरबार में गार्गी जैसी विदुषी और अष्टावक्र जैसे विद्वान का होना यह भी साबित करता है कि शासन के साथ साथ विद्वता और अध्यात्म को कितना महत्व दिया जाता था। राजा जनक के दरबार में लोक कल्याणकारी नीतियों पर विद्वानों के बीच बहस होती थी। राजा जनक
स्वयं उस बहस में सहभागी होते थे और उस मंथन से जो नतीजा निकलता था उसको प्रजा के हित में, जनता के हित में और देश के हित में वे लागू करते थे। राजा जनक के लिए उनकी प्रजा ही सब कुछ थे। उन्हें अपने परिवार के रिश्ते नाते किसी से कोई मतलब नहीं था, बस दिन रात अपनी प्रजा की चिंता करने को ही उन्होंने अपना राजधर्म बना दिया था। इसलिए ही राजा जनक को विदेह भी कहा गया था। विदेह का अर्थ होता है जिसका अपनी देह यानी शरीर से भी कोई मतलब न हो और सिर्फ जनहित में ही खुद को खपा दे, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। भाइयों और बहनों, राजा जनक और जल कल्याण के इस संदेश को लेकर ही आज नेपाल और भारत आगे बढ़ रहे हैं। आपके नेपाल और भारत के संबंध राजनीति, कूटनीति, समर नीति इससे भी परे देव नीति से बंधे हुए हैं। व्यक्ति और सरकारें आती जाती रहेगी पर यह हमारा समान अजरा अमर है। ये समय हमें मिलकर संस्कार, शिक्षा, शांति, सुरक्षा और समृद्धि की पंचवटी की रक्षा करने का है। हमारा ये मानना है कि नेपाल के विकास में ही क्षेत्रीय विकास का सूत्र जुड़ा हुआ है। भारत और नेपाल की मित्रता कैसी रही है इसको रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से हम भली भांति समझ सकते हैं। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। यानी जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उनको देखने मात्र से ही पाप लगता है, और इसलिए अगर आपका अपना दुख पहाड़ जितना विराट भी हो तो उसे ज्यादा महत्व मत दो, लेकिन अगर मित्र का दुख धूल जैसा भी हो तो उसे पर्वत जितना मान करके जो कर सकते हो करना चाहिए। साथियों, इतिहास साक्षी रहा है, जब जब एक दूसरे पर संकट आए भारत और नेपाल दोनों मिलकर खड़े हुए। हमने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। भारत दशकों से नेपाल का एक स्थायी विकास का साझेदार है। नेपाल हमारी नेबरहुड फर्स्ट ये पॉलिसी में सबसे आगे आता है, सबसे पहले आता है। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो आपका नेपाल भी तीव्र गति से विकास की ऊंचाइयों को आगे चढ़ रहा है। आज इस साझेदारी को नई ऊर्जा देने के लिए मुझे नेपाल आने का अवसर मिला है। भाइयों और बहनों,
विकास की पहली शर्त होती है लोकतंत्र। मुझे खुशी है कि लोकतांत्रिक प्रणाली को आप मजबूती दे रहे हैं। हाल में ही आपके यहां चुनाव हुए, आपने एक नई सरकार चुनी है। अपनी आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपने जनादेश दिया है। एक वर्ष के भीतर तीन स्तर पर चुनाव सफलतापूर्वक कराने के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेपाल के इतिहास में पहली बार नेपाल के सभी सात प्रांतों में प्रांतीय सरकारें बनी है। ये न केवल नेपाल के लिए गर्व का विषय है बल्कि भारत और इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए भी एक गर्व का विषय है। नेपाल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है जो सुशासन और समावेशी विकास पर आधारित है। इस साल 10 साल पहले नेपाल के नौजवानों ने बुलेट छोड़कर बैलेट का रास्ता चुना। युद्ध से बुद्ध तक के इस सार्थक परिवर्तन के लिए भी मैं नेपाल के लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोकतांत्रिक मूल्य एक और कड़ी है जो भारत और नेपाल की प्राचीन संबंधों को और नई मजबूती देती है। लोकतंत्र वो शक्ति है जो सामान्य से असामान्य जन को बेरोक टोक अपने सपने पूरे करने का अवसर और अधिकार देती है। भारत ने इस शक्ति को महसूस किया है और आज भारत का हर नागरिक सपनों को पूरा करने में जुटा हुआ है। मैं आप सभी की आंखों में वो चमक देख सकता हूं कि आप भी अपने नेपाल को उसी राह पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपकी आंखों में नेपाल के लिए वैसे ही सपने देख रहा हूं। साथियों, हाल में ही नेपाल के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान ओली जी का स्वागत करने का अवसर मुझे दिल्ली में मिला था। नेपाल को लेकर उनका विजन क्या है ये जानने को मुझे अवसर मिला। ओली जी ने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली के सपने संजोए हुए हैं। नेपाल की समृद्धि और खुशहाली की कामना भारत भी हमेशा करता आया है, करता रहेगा। प्रधानमंत्री ओली जी को उनके इस विजन को पूरा करने के लिए 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये ठीक उसी प्रकार की सोच है जैसे मेरी भारत के लिए है। भारत में हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रही है। समाज का एक भी तबका, देश का एक भी हिस्सा विकास धारा से छूट न जाए, ऐसा प्रयास हम लगातार करते रहे हैं। पूरा पश्चिम, उत्तर पश्चिम, हर दिशा में विशेष तौर पर हमारी सरकार का ध्यान उन क्षेत्रों में ज्यादा रहा है जहां अब तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी। इसमें पूर्वांचल यानी पूर्वी भारत,
जो नेपाल की सीमा से सटा है इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूपी से लेकर बिहार तक, नॉर्थ ईस्ट पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक, इस पूरे क्षेत्र को देश के बाकी हिस्से के बराबर खड़ा करने का संकल्प हमने लिया है। इस क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है इसका लाभ निश्चित रूप से पड़ोसी के नाते नेपाल को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, जब मैं सबका साथ सबका विकास की बात करता हूं तो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, सभी पड़ोसी देशों के लिए भी मेरी यही कामना होती है। और अब जब नेपाल में समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली की बात होती है तो मेरा मन भी और अधिक हर्षित हो जाता है। 125 करोड़ भारतवासियों को भी बहुत खुशी होती है। जनकपुर के मेरे भाई और बहनों, हमने भारत में एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। ये संकल्प है न्यू इंडिया का। 2022 को भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब तक 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने न्यू इंडिया बनाने का लक्ष्य रखा है। हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां गरीबी से गरीब व्यक्ति को भी प्रगति के समान अवसर मिले, जहां भेदभाव ऊंच नीच को कोई स्थान न हो, सबका सम्मान हो।